अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। नागौर में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव हुआ और इसके साथ ही जो बारिश हुई है आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ी है और वहीं पर बारिश जो हुई तो उसके बाद अब शीत लहर चलने से सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ चुका है। कल पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, शीत लहर का दौर जारी रहा और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। लहलहाते हुए खेत आने के किसानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस सर्दी के मिजाज को फसलों के लिए बेहद अच्छा भी बताया है, लेकिन अगर आम जनजीवन की बात की जाए तो सर्दी का असर बेहद खराब स्थिति में है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये सर्द हवाएं जो हैं इनके कारण आम जन को ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास हो जरूर हुआ है। पश्चिम विक्षोभ के कारण बदले मौसम का मिजाज जो है और बदले बीते कई दिनों से जो तेज हवाएं चली, ठंडी हवाएं चली हैं, उसके कारण आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे सर्दी का असर बना हुआ है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिन भर हल्के बादल छाए रहने और सर्द हवाओं से ठिठुरन भरी सर्दी का असर दिन भर बना रहा, अभी भी मावट का के आसार बने हुए हैं। तो कोटा से हिमांशु मित्तल और हनुमानगढ़ से मनीष हमारे साथ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोटा का रुख करेंगे। हिमांशु, आप बताएं, क्योंकि मावट का दौर एक बार फिर से चला है, जाहिर सी बात है कि ठंड में एक बार फिर से इजाफा होगा। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रेडिक्शन की गई है? देखिए गगन, आपको बता दें कि बीते दो दिन से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर नज़र आ रहा है। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा और आसपास के इलाकों में जो हल्की बारिश है वो देर रात दर्ज की गई। बारा की बात करें तो बारा के भी कई हिस्सों में जो बारिश है उसका दौर देखा गया, मौसम में बदलाव देखा गया। और इन सब के बीच में बीते तीन दिन से हम लगातार दिखा रहे हैं कि घना कोहरा जो है वो जो है वो नज़र आया। सुबह की शुरुआत से लेकर के दिन तक घने कोहरे की चपेट में कोटा नज़र आया, लेकिन आज अच्छी बात और राहत की बात ये है कि मौसम खुला हुआ है और मौसम को फिलहाल ठीक कहा जा सकता है। और इन सब के साथ में जो तापमान है उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक दिन तक और जो मौसम में डिस्टर्बेंस है वो हो सकता है और जिसके चलते कई इलाकों में जो बारिश है वो हो सकती है। जी, कोटा की भी जैसा मैंने आपको बताया कि कोटा के कई इलाकों में जो हल्की बारिश है वो दर्ज की गई थी, लेकिन फिलहाल आज और राहत की बात यह है कि जिस तरह से धुंध और कोहरे का असर तेजी के साथ में देखा जा रहा था, जिसके साथ में जनजीवन पर इसका बड़ा असर पड़ रहा था, ट्रेन और सड़क यातायात पर इसका बड़ा असर पड़ रहा था, आज राहत की बात यह है कि घना कोहरा जो है वो नहीं है और इन सब के साथ में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इससे सर्दी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ठिठुरा देने वाली ठंड पड़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। गगन, ठीक है, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, जैसे कि आशुतोष ने बताया कि बारिश भी हुई, मावट का दौर भी है, लेकिन आज जो आज का जो मौसम है, आज दिन खुला है, अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो धूप खिली कि नहीं आज हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल गगन, देखिए दो दिन से जिस तरह से रुक रुक के फुहारों का दौर जारी था, इलाके के अंदर ठंड की ठिठुरन लगातार बढ़ी हुई थी, लोग गर्म कपड़ों में दुबके हुए थे, बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे। आज मौसम हनुमानगढ़ में भी खुला है, लेकिन फिर भी हनुमानगढ़ में सर्द हवाओं का दौर अभी भी लगातार जारी है, जिससे कि वीकेंड कर्फ्यू भी है और लोगों की आवाजाही सड़कों पे कम होने का बड़ा कारण सर्दी भी है। जब बात करें फुहारों की और जो पिछले दो दिन में हुई हल्की फुल्की बरसात की, तो जो हनुमानगढ़ की जो फसलें हैं, कुछ जो वीरानी इलाका है उनको उस बरसात ने निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाया। वहीं नहरी क्षेत्र के अंदर जो सरसों लगी हुई है इस बरसात में, उसके पीला पड़ने की संभावना बढ़ गई है।
जहाँ तक बात करें जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय पर भी कल काफी पूरे दिन रुक रुक के बारिश होती रही है। ऐसे में आज जो मौसम है, सुबह लग रहा था कि खुल के आएगा, लेकिन अभी फिर से बादलों ने जगह बना ली है, जिससे कि धूप आने के जो आसार है वो फिर से कम नजर आने लगे हैं। वहीं वापस से सर्द हवाएं भी शुरू हो गई है। हम अभी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक पे हैं, जहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सड़कों पे जो आवाजाही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें बड़ा कारण सर्दी भी है। जी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज दूसरा हफ्ता है अनुशासन कर्फ्यू का, लेकिन ऐसे में सर्दी का दौर